सत श्री अकाल जी। अज असीं बना लगे अदरक लहसुन की सब्जी। ये वीडियो वधिया लगे लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो। मिलते हैं वीडियो के लास्ट ते। अदरक लहसुन की सब्जी बनाने वास्ते असीं 200 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन लिया, 5 टमाटर, 4 हरी मिर्चा लिया। अदरक लहसुन का असीं अलग अलग पेस्ट बना लेना। टमाटर ते हरी मिर्च का पेस्ट इकट्ठा बना लवेंगे। अदरक लहसुन का असी पेस्ट बना लिया, टमाटर हरी मिर्चा का भी पेस्ट बना लिया। सब तो पहले असी कढ़ाई में तेल पावांगे, तेल नूं चंगी तरह गर्म कर लवेंगे। तेल साडा गर्म हो चुका है, हुण असी गैस की फ्लेम नूं मीडियम कर लवेंगे। सब तो पहले असी लहसुन का पेस्ट पावांगे। पांच तो सात मिनट असी लहसुन के पेस्ट को पका लवेंगे। पांच तो सात मिनट हो चुके हैं जी, लहसुन का पेस्ट पक गया। हम असी थोड़ा जहा पानी ऐड करांगे, तो दो मिनट होर पकावांगे मीडियम फ्लेम से। अदरक लहसुन की सब्जी में असी अंडे भी उबाल के पा सकते हैं। असी अंडे उबलने लिए रख दिते हैं। लहसुन का पेस्ट पक चुके हैं, हम असी अदरक का पेस्ट ऐड करांगे। हम असी अदरक का पेस्ट भी 5 से 7 मिनट लिए पका लवेंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट हो चुके हैं जी, असी विच विच पेस्ट को हिला भी लेना। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं जी, हम असी थोड़ा जहा पानी ऐड करांगे, तो 2 मिनट होर पका लवेंगे। साडा अदरक लहसुन का पेस्ट पक चुका है, हम असी 1/2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पावांगे। कश्मीरी लाल मिर्च में असी थोड़ा जहा गर्म पानी ऐड करांगे, तेनू चंगी तरह मिक्स कर लवेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट में हम असी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करांगे, तो 2 मिनट पकावांगे। मिनट हो चुके हैं जी, हम असी टमाटर का पेस्ट ऐड करांगे। टमाटर के पेस्ट में भी असी 5 से 7 मिनट पका लवेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम से। हम असी 1 स्पून नमक ऐड करांगे। टमाटर का पेस्ट पक चुके हैं, हम असी मसाले ऐड करांगे। 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून किचन किंग मसाला ऐड करांगे। सारे मसालों को पका लवेंगे मीडियम फ्लेम से 2 मिनट लिए। मसाले साडे पक चुके हैं जी, हुण असी एक बॉयल पानी ऐड करांगे। जदों सब्जी नूं बॉयल आ जाए हाई फ्लेम से, फिर असी कज के पकावांगे 10 मिनट लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं जी, सब्जी तैयार हो चुकी है, अंडे भी उबल चुके हैं जी। हुण असी अंडे नूं कट के सब्जी विच पावांगे। ऐड
ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।